ये झाड़ू वाले हुए या ये कांग्रेस वाले हुए, ठीक है, झूठे वादे, झूठे इसके तो अफवाहें फैलानी, ये फ्री वो फ्री, कुछ तो फ्री नहीं होता। पीड़े का पानी तो बिल्कुल बेकार आ रहा, क्योंकि वादे तो काफी ज्यादा किए बट काम कुछ भी नहीं किया। आपको बता दूं कोई चैनल नहीं आएगा यहाँ पर, लोग काफी समस्याएं उनकी है, काफी फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कैपिटल टीवी आपकी समस्या को सरकार तक पहुँचाएगा। आप बताइए, मदद नहीं मिल रही है मेरे को, देख नहीं है मेरे घर में, बड़ा गंदा पानी आता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और कैपिटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है भलसवा में। यहां पर आपको बता दूं कि एमसीडी चुनाव के मद्देनज़र हम ग्राउंड जीरो पर निकले हैं और मुख्य तौर पर एमसीडी चुनाव की जो लड़ाई है इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच देखने को मिल रही है, और यही जानने के लिए कि किसको वो समर्थन देंगे हम निकले हैं लोगों के अंदर और जानते हैं लोगों से कि क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है और वो इस बार किस पार्टी को समर्थन देने वाले हैं। चलिए, आप अपना नाम बताइए। राहुल मैडम, क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप किसको इस बार समर्थन देंगे, कौन सी पार्टी को? बीजेपी। बीजेपी क्यों, किस किन कारणों से आप बीजेपी को समर्थन देंगे? बीजेपी को इस कारण से मैडम जी समर्थन दूंगा कि सकते सारी समस्याएं मेरे को ठीक लगती है बीजेपी की, ये झाड़ू वाले हुए या ये कांग्रेस वाले हुए, ठीक है, झूठे वादे, झूठे इसे कहते अफवाहें फैलानी, ये फ्री वो फ्री, कुछ तो फ्री नहीं होता, ठीक है। दिल्ली में ऐसे कहते केजरीवाल ने बोला था कि मैं स्विमिंग पूल बनवा रहा हूँ, घर में स्विमिंग पूल बनवा दिया, आपकी समस्या हो दिल्ली की समस्या हो, ठीक है, बारिश का पानी आता है, नालों का पानी आता है, वो हमारे लिए वो स्विमिंग पूल है, उसमें हमारे घर के छोटे बच्चे हुए, गिर गए, मर गए, कुछ भी हो गया, केजरीवाल यही कहते हैं कि अच्छा तो करवा रखा है मैंने। आपका बिजली का बिल कितना आ जाता है? मेरा बिजली का बिल कभी 1700 आता है, कभी 1800 आता है, कभी 2200 भी आता है। तो ये मुफ्त में बिजली का क्या चक्कर है जो केजरीवाल बोलते हैं आपका मुफ्त नहीं आता है? नहीं, वो तो बोलते हैं ना, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, वो ये भी बोलते हैं कि सत्येंद्र जैन इससे तो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं करा, मैंने उससे सोदिया भी ठीक है, ये सारी इससे कहते एक ही पार्टी के, इसे कहते मैं तो ये कहना चाहूँगा, ठीक है, एक ही पार्टी के ये जितने भी इससे चोर है ना, ठीक है, इनकी धीरे धीरे पोल खुलती हुई आ रही है, ठीक है, बस मैं तो इतना इससे कहूँगा। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें तो केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक की भी काफ़ी दुहाई देते हैं, क्या लगता है क्या स्थिति है मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक की ये स्थिति है जी कि इन्होंने खोखे तो बनवा दिए, उनमें दवाई तो रहती नहीं है, और डॉक्टर कई बार ही होते हैं और कई बार चाय पी रहे होते हैं, ठीक है, और उनको बोलो कि इसे कहते हैं कि भाई ये दवाई देनी है, कि ये दवाई है ही नहीं जी, बाहर से ले लो, मेडिकल से ले लो, लिख देते हैं जी, ये ऐसे कहते फ्री में, ऐसे कहते बोलते हैं कि इसे हम फ्री दवाई दे रहे हैं, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, वो दवाई इतनी अच्छी लिख देते हैं, इतनी सस्ती लिख देते हैं कि 300 रुपये का पत्ता लिख देते हैं, गरीब आदमी कहाँ से लेगा, ठीक है, गरीब आदमी तो फिर वही क्लिनिक भी वो मतलब असफल साबित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बात अगर सरकारी स्कूलों की करें तो उसकी क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनवा रखे हैं जी, बस सिर्फ बाहर टैल वाइट पेंट रंग रोगन बढ़िया करवा रखा है, अंदर टीचर ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बोलते हैं कि इसे कहते हैं कि केजरीवाल ने इसे कहता है बहुत अच्छा करवा रखा है। मनीष सिसोदिया तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों का भविष्य वो उज्जवल करेंगे आम आदमी पार्टी सरकार आएगी तो। हाँ, ये पेंट तो करवा रखा है जी, दरवाजे इसे कहते करवा रखे है, ठीक है, बस रंग रोगन करवा के स्कूल बढ़िया बनवा के पेड़ वेड़ लगवा के वो इसे कर रखा है, और अंदर जाके देखो टीचर नहीं है, ठीक है, अगर हिंदी के टीचर ले लो, अगर उस स्कूल में 4 टीचर चाहिए तो 2 ही टीचर है, ठीक है। अच्छा। बस बच्चे से तो कोई से तो पंखा तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब में अच्छे स्कूल बनवा रखी है दिल्ली के। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपका नाम, क्या आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती है अपने एरिया में? क्या हमें यह है कि जैसे हम राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं, फॉर्म भरी हूँ 2018 से, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना, जब मैं दफ्तर जाती हूँ तो यही बार बार कहते हैं अभी वेटिंग चल रही है, वेटिंग चल रही है। कितना समय हो गया अप्लाई 2018 का तो बता रही हूँ, अभी तक नहीं आया। अब मैं कई बार जा चुकी हूँ, वो बनता ही नहीं, यही कहते हैं, जब मैं कहती हूँ दोबारा फार्म भर दूँ तो कहते हैं नहीं अभी वेटिंग चल रही है। लेकिन केजरीवाल तो एक स्कीम लाए थे ना, घर बैठे आपको राशन कार्ड मिलेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये होता है कि बिजली माफ, पानी माफ, हम सबको तो सब कुछ देना पड़ रहा है, बिजली का भी बिल और पानी का भी बिल। आपके पास है आपका बिजली बिल? नहीं, कहाँ है वो तो मकान मालिक के पास रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, किसी का भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है जो केजरीवाल सरकार करती है। इतने दिन हो गए अभी तक बना ही नहीं, जब जाओ बार बार यही बोलते हैं कि आ जाएगा, आता ही नहीं। 2018 से लेकर अब तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो क्या आपने इसकी कंप्लेंट की? नहीं, कंप्लेंट तो नहीं करी, बार बार वही दफ्तर जाती हूँ, चक्कर लगाने पड़ते हैं। केजरीवाल जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, क्या कितना सही साबित होते हैं वो अपने दावे? अभी तो कुछ नहीं है, हम सबके लिए तो कुछ नहीं। आपको बता दूं कोई चैनल नहीं आएगा यहाँ पर, लोग काफी समस्याएं उनकी है, काफी फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कैपिटल टीवी
कैपिटल टीवी आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाएगा। आप बताइए क्या आपका नाम है? सबसे पहले मेरा नाम सोमवती है, 1441 मेरा मकान नंबर है। क्या आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कौन सी सरकार? बेटा सुनवाई नहीं होती सरकार की ओर से, आपको कोई मदद नहीं, मिल रही है मेरे को। देखो यहाँ पर लोग जो है काफी वो नहीं है ना, कोई है नहीं कमाने वाला, तो बोरिंग नहीं है मेरे घर में, बड़ा गंदा पानी आता है। पर लोगों का कहना है कि पीने के पानी की समस्या यहाँ पर बड़ी है लोगों के लिए। उनका कहना है कि यहाँ पर पीने लायक पानी भी नहीं आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन शुक्ला है। आप किसको समर्थन देंगे? मैं तो इस बार आप बीजेपी को ही देना चाहूंगा। बीजेपी? हाँ जी। और आम आदमी पार्टी से क्या आप असंतुष्ट है या संतुष्ट है, क्या लगता है आपको? संतुष्ट तो नहीं, असंतुष्ट है, क्योंकि वादे तो काफी ज्यादा किए बट काम कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल काफी सख्त नजर आते हैं सिर्फ ज्ञापनों में। अब दिखने में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, मैं दिखने में कहता हूँ हाँ मैं करवा दूंगा, बट करवाए तो जब ही। तो अब मेरी क्या मेरे ओपिनियन का आप जिस मर्जी पूछ लीजिए। दिल्ली में इस टाइम पे डेंगू इतना ज्यादा चल रहा है कि अब क्या बताओ, फुल स्लीव के कपड़े पहन के चलने पड़ रहे हैं, कोई बाहर सेफ नहीं है। केजरीवाल के नेताओं के काफी नाम भी आ रहे हैं घोटालों में, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है केजरीवाल जो ईमानदारी की दुहाई देती है वो है ईमानदार? देखिए ईमानदार तो अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अंदर की बातें तो पता नहीं, पर जैसे जैसे हमें पता लग रहा है, एक मनीष सिसोदिया हो गया और भी काफी नाम बाहर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल का नाम भी जल्द बोल। हाँ घोटाले में आ तो रहा है, अब वो तो खैर आगे वक्त बताया क्योंकि उन सबकी अभी चल रहा है कानून के दरवाई। लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वीडियो तो बकायदा सबूत मिल रहे हैं, जेल में मसाज हो रही है सत्येंद्र जैन। अब हाँ सही बात है, खैर अब वो लोग वही बात है, नेता है पार्टी उनकी है तो उनको सब कुछ वो मिल रही है सुविधा, अब हम आम आदमी जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है ऐसे कैदियों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए जेल में? ये चीज तो कानून की गलत है। एक्चुअली क्या है, चाहे कोई भी आम आदमी हो चाहे नेता विधायक हो, रूल तो सबके लिए एक जैसे है ना। क्या आपके एरिया में ऐसी कोई समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पार्टी दूर कर सकेगी? समस्या ही तो देख रहे हो आप, पानी पानी भर रहा गलियों में, और पीने का पानी और ये पानी, पीने का पानी तो बिल्कुल बेकार आ रहा, गंदा पानी आ रहा। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है वही उनके मुद्दे हैं ना, उनको मुफ्त में पानी मिल रहा है, पानी दूर की बात है उनको पीने लायक पानी तक नहीं मिल रहा है, वही बिजली का मुद्दा भी है, उनको बिजली भी मुफ्त में नहीं मिल रही है, उनका जो बिल पहले आता था उससे दुगना आने लग गया है जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।